क्या करें भाई, इसमें नाम है अली है, क्या करें फिर कब्र में आप सुकून से सोना, आपके लगा अली बोले दुश्मनी दो हिस्सों में रसूल की रिसालत की और अली की इमामत। अब इन्होंने मिलकर मशवरा करना शुरू किया कि अगर हम इसे रसूल मान भी लें तो फिर उसके बाद बुखारी मान के फिर निजाम हुकूमत कहां पे, फिर हमारे कबीलों की सरदारी कहां पे, ये हकाइक के जवाब के सामने अगर इन्होंने मिलकर मशवरा किया, इन्होंने एक काम करते हैं, सुबह को उठे तीन बुजुर्गों का चुनाव किया, अबू सुफयान, ये तीनों बुजुर्गों को इन्होंने टारगेट दिया कि आप चले, ये आए हजरत इमरान की हवेली में, मुतालब की हवेली की दस्तक दी, हजरत मुतालब आया जी, उन्होंने कहा तुमसे नहीं उससे मिलना है जिसने कल तकरीर की थी, खुद राय साल में भेज दिया गया, बाहर खड़े हो गए हजरत इमरान, बाहर हजरत इमरान का खड़े होना था या ये अंदर गए, मसनद में है कायनात का मौजू का हिस्सा जो है मेरे फितरत के ताबे ने आए आके कहने लगे सुन यदीन अब्दुल्ला, हम हैं अरब के सरदार, हमारे एक एक शख्स के कहने पे सौ सौ कबीला है, अगर ये सारा काम जो हमने कल किया ये सब कुछ हुकूमत के लिए कर रहा है, फिर देख लड़ाई नहीं जंग नहीं, हम तुझे ये कहने के लिए आए कल सुबह बगैर किसी शब्द के तुझे पूरे मक्के की सरदारी देते हैं, लेकिन ये ऐलान छोड़ दे, हां दूसरी चीज भी है, अगर तू चाहेगा किसी अच्छे घर से अच्छा रिश्ता भी देंगे। अब जवाब जो तारीख में लिखा मैंने वो नहीं पढ़ना, तारीख में लिखा सुन दाएं हाथ में सुन रहा तो बाएं हाथ में चला, अब मैं वो जवाब पढ़ने लगा हूं जो किताबों में है, जो रसूल ने दिया। रसूल ने मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा क्या कहने आ रहे हो मुझे सरदारी हुकूमत, मैं तुम्हारी हुकूमत से ज्यादा अबू तालिब की झोंपड़ी को तरजीह दूंगा। अगला जुमला सिर्फ सदार सुनेंगे, जब इतना जुमला कहने के बाद रसूल उठाए और उठा के मुस्कुरा के कहने लगे क्या कहते हो अच्छे खानदान का रिश्ता, अरब के सरदारों ये बात देखने में सोच के जाना, वो बीबी मेरी कमीज बनने वाली है जिसके सुल्तान है नौकर, वो मेरी कमीज बनने वाली। इन्होंने कहा अच्छा तो फिर ये भी सुन, अगर तूने हमारी ये शरायत ना मानी फिर हमारे जवान हमारे कहने में नहीं रहेंगे, वल्लाह खुदा मुझे अलम अब्बास की कसम है हिस्ट्री कहती है अभी मक्के के सरदारों की जुबान से इतना निकला था, सुन यती में अब्दुल्ला तेरा भाई कोई नहीं है, बाप तेरे सर पे नहीं है, सिर्फ अबू तालिब की वजह से ऐसा कर रहा है, सुन ले अगर तू हमारे खुदा को फिर भी बुरा कहेगा, हम तेरे घर में तुझे हुकूमत देने के लिए आए थे, तुम्हें बेहतर से बेहतर शर्त देने के लिए आए थे, अगर तू फिर भी नहीं माना फिर हमारे जवान हमारे कहने पर नहीं है, फिर मक्के की किसी गली में तू कत्ल हो जाएगा, अभी कत्ल का नाम माना था या हुजरे का दरवाजा उठा बाबे खैबर की तरह हवा में लहराया, अबू तालिब तलवार की नोक को निकाला, इनकी कत्ल में रखकर याद रखना जब तक ये है तुम हो, बहुत जज्बाती है, इसलिए हम पे तलवार खींच ली,
सारी रात ये सोच रहे थे कि क्या करना है। या सुबह को मक्के की गली से एक आवाज आई, अय्युहन्नास कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। इन्होंने सर उठाया, ये क्या, ये बात जो कल कमरे में हो रही थी, और ये सदर कह रही है मैंने वो बंदा देखना है तो सदर पी जाएगा। उन्होंने परेशान होकर, अच्छा कल मजलिस आज जुलूस, चाहिए था ना नबी को, आज हमने कह दे दी इमाम बारगाह हो तो कज़ादारी को रखो। पाकिस्तान में कानून बनाए जा रहे हैं, कज़ादारी बारगाहों तक रखो, बाजारों में जाने का क्या तरीका है। रसूल को भी चाहिए था कि बात सिर्फ हवेली तक रखते हैं। मक्के के बाजार ये लफ्ज मुझे इसलिए देने पड़ते हैं ताकि आप जहनी तौर पर आमादा रहे, बेदाग रहे आप जहनी तौर पर। रसूल मक्के के बाजार में आए, हर मिजान में खिड़कियां खोल के देखा, आगे आगे बड़ा भाई, पीछे छोटा। जो आगे है वो कह रहा है कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, जो पीछे वो कह रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह। जलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ सरकार इमरान की हवेली के सामने से अगली सुबह जलूस से पहले जलूस के मुखालिफीन ने बंदोबस्त कर दिया। उन्होंने मक्का की औरतों को पत्थर देके छतों पे बिठा दिया। उन्हें पता था कि हक के मुकाबले पे सहारा औरत का लेते हैं। मजाल यूट्यूब पे अपलोड ना हो रही होती तो शायद मैं कुछ वजाहत कर देता, लेकिन मुझे ये पाकिस्तान में भी सुनी जा रही है। गुजारिश है बिस्मिल्लाह। उन्होंने औरतों को छोड़ दिया, जख्मी हुआ सिर्फ एक दिन पे का। रसूल जख्मों से भरे वापस आए, हजरत इमरान ने रसूल के जख्म देखे, हजरत अली का हाथ पकड़ा, अगर इसने जख्मी होना था तेरे बिस्तर बदलने का फायदा। अब जख्म नहीं आना चाहिए था। अब ये तारीख है, मैं पूरी बार बार मैं लफ्ज कह रहा हूं कि आपने सिर्फ सुनना है, जिम्मेदारी मेरी है। पूरी जिम्मेदारी के साथ अगले जब रसूल घर से निकले तो अकेले नहीं है, आगे आगे साल पीछे पीछे इमामत। अगले दिन मौला ने काम किया गया, बचपन जो था खजूरें खा रहे थे, कुटनियां संभाल रहे थे, क्योंकि बचपन का असलहा और होता है, जवानी का और होता है। खजूरें खाते रहे, गुटलियां संभालते रहे, खजूरें खाते रहे, गुटलियां संभालते रहे। मक्के के बाजार में रसूल का आना था, इधर रसूल ने ऐलान तौहीद किया, या औरतों ने बच्चों के हाथ में पत्थर देखा, वो सामने यतीम अब्दुल्ला है, इसका जिस्म का निशाना लाओ, बच्चों के हाथों में पत्थर आए, या बचपन का अली बोल पड़ा, बोल के कहा खबरदार एक पत्थर भी मेरे नबी का जिस्म में नहीं आना चाहिए, एक पत्थर भी मेरे नबी का जिस्म में आना चाहिए। अगर नबी हमला करते थे तो कल को कहते थे वो तो बच्चे थे, जवाब नबी ने क्यों दे दिया, इसलिए रब्बुल ताला ने साथ अली को भेजा, जिधर बच्चों के हाथ में पत्थर आए या मौला अली ने खजूर की गुठलियां निकाली। तरीके ने जिसके बाजू पे लगा उसका बाजू चला गया, जिसके सीने पे लगा उसका सीना चला गया। आज मौलवी का नाम मैं नहीं मानता, खजूर के गुठली में इतनी ताकत कहां से आ गई, तूने कुरान नहीं पढ़ा, अल्लाह कुरान में कहता है अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाब अल-फ़ील, तुम्हें याद नहीं हमने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया था। अगर अब फील की पत्थर का टुकड़ा अब आके हाथी मार सकता है तो यतुल्ला से निकली गुठली काफिरों के बच्चे क्यों नहीं मार सकते। विसालत के तहफ्फुज़ का नाम अली वली, हमारे पास खत्म नबुव्वत की दलील ही अली वली।
और इसीलिए आज तक जितने भी झूठे नबी बने कोई भी अली वाला नहीं था। जाओ जाकर देखो, सर्च करके देखो, जितने लोगों ने झूठे नबी पर किताबें लिखी उनमें कोई भी शिया नहीं, क्योंकि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के फौरन बाद अली वली का कह के खामोश हो जाते, जब अली जैसा नबी नहीं बन सका। और ना ही हमारे मौला ने कहीं कहा है कि अगर नबी नबी ने कहा था कि मेरे बाद नबी होता, नबी होता जब होना ही नहीं फिर क्यों होता। इस हिदायत को बचाने के लिए बेटी बाजार में